बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.11 के लास्ट टू क्वेश्चंस रह गए हैं, 15 एंड 16। वो देख लेते हैं हम। 15 और 16 क्वेश्चंस इसलिए बहुत आसान है कि यहाँ में एनथ टर्म गिवन है, और आपने देखा कि 6.11 में मेन काम एनथ टर्म फाइंड आउट करने का है, बाकी तो सारे फार्मूलाज एक जैसे हैं। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज एनथ टर्म आर, पहला है 3n² + n+1। बेटे अगर ये एनथ टर्म है तो इसे टर्म नंबर के बना लें। टर्म नंबर के बनाने के बाद इस पर समेशन अप्लाई कर दें, 3 ऐसे ही समेशन k² पे, फिर उसके बाद समेशन k पे और 1 पे, ये SN बन जाएगा। समेशन k स्केयर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6, समेशन k का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई 2 और समेशन 1 का फॉर्मूला n। यहाँ से n हम कॉमन निकाल लेंगे, 3 और 6 की आपस में हो जाएगी कटिंग, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 2, एन प्लस वन बाई 2 और प्लस 1, ऑन द होल 2 LCM आ जाएगा। ठीक है, 2n² + n ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, ये और ये 2n² + n + 2n+1। ठीक है, और ये हो गया एन प्लस 1 और यहाँ प्लस 2 आ गया क्योंकि इधर 1 था। ठीक है, LCM लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, और ये 2n² (n + 2n+n) 4n और 1 + 2 (1 + 1 + 2) 4। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारी SN का फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमें nth टर्म दी हुई है n² + 4n+1, इसको हमने an के इक्वल कर लिया, टर्म नंबर k में कन्वर्ट कर लिया, समेशन का इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, समेशन k² (4×summation k) और प्लस समेशन 1, ये चीज़ SN बन गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने समेशन k² का फार्मूला लगाया, यहाँ समेशन k का 4 बाहर लिखा हुआ था और यहाँ समेशन 1 n के इक्वल होता है, ये 2 की और 4 की हम आपस में कर लेंगे कटिंग, ना भी कटिंग करें तो भी n कॉमन निकाल लें, n + 1 (2n+1)/6, और यहाँ पर ये हमने क्या कर लिया, इसको ये हमने क्या बनाया, यहाँ रह गया 2n, बाहर चला गया n+1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर पर 6 LCM ले लेंगे, ये हो गया 2n² + 3n+1 + 6 × 12, 7 में n+1 + 6। ठीक है, ये n/6 हो जाएगा, 2n² + 3n+1 + 12n + 12 + 6, ये 18 बन जाता है, 3n और 12n मिलके 15n हो जाएंगे और ये 1 भी ऐड होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज, फ्रॉम द nth टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द सम टू 2n टर्म्स। ये बच्चे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हमें nth टर्म दी हुई और s(2n) निकालना है, आपने सेम टू सेम मेथड से sn निकालना है और लास्ट में आपने n की जगह पे 2n को रिप्लेस कर देना है। ये nth टर्म गिवन है हमें, इसे हमें टर्म नंबर k में कन्वर्ट कर लिया, समेशन अप्लाई कर दिया, 3 बाहर है समेशन k² 2 बाहर है समेशन k, 1 का n हो गया, यहाँ से ये कटिंग भी कर सकते हैं, ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, 3 और 6 की भी कटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट भी LCM ले सकते हैं, ये हमने डायरेक्ट LCM ले लिया। ठीक है, इसको हमने मज़ीद ओपन किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 को बाहर निकाल दिया, ये चीज़ आ गई, ये हमारे पास SN की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस SN में अगर आप यहाँ से आप देखें, 3 कॉमन निकलता है, हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला ताकि थोड़ा और सिंपल हो जाए, 3 1 और ये 3 और 6 की कैंसिलेशन होगी। अब हमें तो s(2n) चाहिए था, तो रिप्लेस कर दिया हम n को बाय 2n, यहाँ n की जगह 2n, 2n² है, आप n की जगह 2n लगाएंगे तो 2n² हो जाएगा, 5 की जगह 5 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली फॉर्म तैयार हो जाएगी। ठीक है, 2n² (4n² + 10n+5, ठीक है, ये 8n² + 10n+5, ये हमारे पास s(2n) आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। इसका पार्ट 2n² (n³+2n+3n)th टर्म है, हमें s(2n) निकालना है, nth टर्म स्टूडेंट्स ये टर्म नंबर k में कन्वर्ट किया, समेशन हमने अप्लाई कर दिया, ये sn बन गया, k के क्यूब का समेशन का फार्मूला समेशन k का, और समेशन 3 पे जब अप्लाई होगा 3n हो जाएगा, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा है, तो ये समेशन k² का समेशन k का और 3n। यहाँ से आप देखें ये दोनों 2 कैंसिल हो जाते हैं,
ठीक है, एन स्केयर एन प्लस वन का होल स्केयर बाय फोर, एन इंटू एन प्लस वन प्लस थ्री एन, ऑन द होल हम एन कॉमन ले लेते हैं। एन इंटू एन प्लस वन का होल स्केयर मैंने ओपन कर लिया ओवर फोर प्लस एन प्लस वन प्लस थ्री। अब इसका फोर एलसीएम ले लें, ठीक है, सॉल्व करें, ये चीज़ तैयार होगी। अब आप रिप्लेस कर दें एन को बाय टू एन, जहाँ जहाँ एन था देखें वहाँ हमने टू एन लगा दिए, तो यहाँ से भी कैंसिलेशन हो गई है, एन बाय टू आ गया। ये एट एन क्यूब, टू एन का स्केयर किया फोर एन स्केयर हो गया, टेन एन प्लस सिक्सटीन, एट एन स्केयर प्लस टेन एन प्लस सिक्सटीन, इसमें से टू कॉमन भी निकलता है, कॉमन निकाल लिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चैप्टर नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपरली रिवाइज करें ताकि आपको इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो। थैंक यू।